हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ब्रेकर प्लेट। आपने देखा होगा कि जो कंटिन्यू प्रोसेस चलता है जिस मशीन में, उसमें एक ब्रेकर प्लेट लगी होती है। तो उस ब्रेकर प्लेट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रेकर प्लेट होती क्या है और मशीन में किस जगह पर लगी होती है, उसका काम क्या होता है। ये तीनों बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक भाई है हमारे जो हमारी सारी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं। उन्होंने हमसे कुछ टॉपिक कहे थे कि सर इन टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम उन टॉपिक पर वीडियो अभी नहीं लेके आ पाए। उन भाई ने मुझसे कल भी कहा था कि सर वीडियो लेकर आइए प्लीज़। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो लैपटॉप है मेरे पास, उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, और दीपक सर का जो लैपटॉप है वो बिल्कुल सही है। तो मेरी दीपक सर से बात हुई थी कि सर इन टॉपिक को क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही मुझे जॉब से टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत टाइम है जैसे भी, मैं इन टॉपिक को क्लियर ज़रूर करूँगा। तो भाई, मैं आपसे बता दूँ जिन्होंने मुझसे ये टॉपिक के बारे में कहा था कि आपके इन टॉपिक पर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो आइए फिर अपने इस वीडियो पर आते हैं वापस। तो ब्रेकर प्लेट क्या होती है, इस बात से हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें और आपको नई नई वीडियो की हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेकर प्लेट होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रेकर प्लेट, आपने खाना खाने वाली प्लेट सुनी होगी, लगभग सबकी सब प्लेट जो है गोल होती है। तो ये वाली प्लेट भी एक गोल आकार की होती है, जिसमें बराबर आकार के गोल गोल छिद्र होते हैं, मतलब छेद होते हैं उसमें। तो ब्रेकर प्लेट जो होती है एक गोल आकार की प्लेट होती है, जिसमें गोल गोल छिद्र या छेद होते हैं। अब बात आती है कि ये प्लेट लगी कहाँ पे होती है, मशीन में किस जगह पर ये प्लेट लगी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो बैरल होता है ना, हर मशीन में बैरल जो होता है, बैरल और डाई अडेप्टर के बीच में लगी होती है प्लेट। जो बैरल है, बैरल और डाई अडेप्टर के बीच में लगी होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डाई अडेप्टर क्या होता है। तो दोस्तों, डाई अडेप्टर होता है जो बैरल और डाई को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो डाई अडेप्टर हो गया। मतलब डाई को और बैरल को जोड़ने का जो काम करता है वो डाई अडेप्टर करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो इसमें छिद्र होते हैं प्लेट में, उनका साइज क्या होता है। तो दोस्तों, उनका साइज होता है 1/8 से लेकर 1/4 तक, 1/4 तक, 1/8 से लेकर 1/4 तक इनका साइज होता है। दोस्तों, आप अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये डाई प्लेट जो है, जिसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब स्क्रू घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसी में केवल ये लगाई जाती है। मतलब जिस मशीन में कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, उसी में ये प्लेट लगती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नहीं लगती, ब्लो मोल्डिंग मशीन में लगती है, जिसमें कि स्क्रू घूमता रहता है, डाई से पार्ट बनते रहते हैं, केवल उन्हीं मशीनों में ये प्लेट लगी होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ब्रेकर प्लेट के कार्य क्या होते हैं। इनके कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है बैक प्रेशर पैदा करना, बैक प्रेशर उत्पन्न करना। दोस्तों, जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उसमें जो बैक प्रेशर पैदा होता है जब रिफिलिंग होती है, मतलब स्क्रू घूमते हुए पीछे जाता है, तो ऑटोमेटिक पीछे की तरफ से बैक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें अलग इसका सिस्टम है कि बैक प्रेशर इसमें ब्रेकर प्लेट की वजह से होता है। मतलब ब्रेकर प्लेट जो है वो बैक प्रेशर उत्पन्न करती है। कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। जो प्लेट, मतलब आगे लगी है ब्रेकर प्लेट, ये है, इधर से मटेरियल आ रहा है, तो मटेरियल यहाँ पे आके रुकेगा, तो जो छिद्र है इसमें, जो गोल गोल छेद है, उनमें से मटेरियल धीरे 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 निकलेगा। तो जो पीछे से बहुत सारा मटेरियल आ रहा था वो एक ही जगह रुक जाएगा, धीरे धीरे आगे जाने लगेगा। और स्क्रू तो ऑटोमेटिक घूम ही रहा है, तो स्क्रू जब तक घूमता रहेगा, अच्छी तरह घूमता रहेगा, तो वो मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा बैक प्रेशर की वजह से, जो बैक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसका अगला जो कार्य है वो है कि जो पीछे से घूमता हुआ मटेरियल आता है, उसे चक्रीय गति में आगे ना भेजकर रेखीय गति में भेजा जाता है। तो देखिए, जैसे कि स्क्रू घूम रहा है, तो स्क्रू के साथ साथ जो चीज टच हो रही है, इसमें तो मटेरियल टच हो रहा है, तो जो भी उसके साथ चीज टच हो रही है, जैसे कि मटेरियल उसमें घूमता हुआ आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ब्रेकर प्लेट का कार्य होता है कि उसको घूमते हुए आगे ना भेजकर उसको रेखीय गति में, मतलब सीधी तरह से मटेरियल को आगे भेजना, ये भी एक इसका कार्य है। फ्रेंड्स, इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, जो मतलब पीछे से हमारा मटेरियल आ रहा है, मटेरियल जो हमारा रीग्राइंड भी होता है कट्टे में, मतलब जो बैग होता है उसमें जो नया मटेरियल आता है, वर्जिन मटेरियल। तो वर्जिन मटेरियल क्या होता है, इसके लिए भी मैं एक बाद में वीडियो बना दूंगा। तो जो वर्जिन मटेरियल होता है, उस पर थोड़ा हमें विश्वास होता है कि ये मटेरियल बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल साफ मटेरियल होगा। लेकिन जो हमारा जो रीग्राइंड मटेरियल होता है,
तो उसमें हमारे क्या चीजें मिल जाए, मतलब कोई लोहे की चीज मिल जाए या कोई छोटे छोटे कण, यानी किसी भी चीज के कण होते हैं, लोहे के, स्टील के या जो भी कण होते हैं, वो हमारे होपर से बैरल में जाने के बैरल में चले जाते हैं, तो बैरल से डाई में ना पहुंच पाए उसके लिए भी ये ब्रेकर प्लेट लगाई जाती है। क्योंकि हमारे छिद्र जो होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो हमारा जो लोहे का कुछ भी आता है वो उसमें उधर ही रुक जाता है, आगे जो मटेरियल है वो छन के जाता है, मतलब साफ होके मटेरियल आगे जाता है, तो जो भी उसमें अवशेष होते हैं जो आगे जरूरत नहीं होती उनको वो पीछे रोक लेती है प्लेट और आगे जो है मटेरियल को, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को भेजती है। तो मतलब जो गलत पदार्थ होते हैं, जिनकी अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं, तो उनको आगे नहीं भेजती, वो रास्ते में ही रोक लेती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है ब्रेकर प्लेट का, या एक तरह से यूं कह लीजिए कि जो अशुद्धियां होती है मटेरियल में उसको फिल्टर करती है, उसको साफ करती है, तब आगे भेजती है। ब्रेकर प्लेट मुलायम पदार्थ में, मुलायम मटेरियल में फ्लो को एक जैसा रखती है, मतलब सेम फ्लो होगा तो पार्ट का जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आएगी। जो अच्छी तरह मटेरियल मिक्स होता है वो केवल और केवल ब्रेकर प्लेट की वजह से होता है, तो अच्छी तरह मिक्स करने के लिए ब्रेकर प्लेट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकर प्लेट का कार्य क्या होता है। मैंने तीनों चारों चीज़ बता दी कि ब्रेकर प्लेट क्या होती है और ब्रेकर प्लेट कहाँ पे लगी होती है और तीसरा जो इसका कार्य है वो कौन कौन से कार्य हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये आगे भी किसी के काम आ सके। तो दोस्तों नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप, मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प होती रहे, हम थोड़ी सी हेल्प आपकी कर सकें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर करिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।